दिस इज मी शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ मीशो से परचेज किए हुए कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर ब्लाउज के कलेक्शंस, जो कि आपके किसी भी आउटफिट के साथ, मतलब कि साड़ी आप पहनना चाहते हो उसके साथ, स्कर्ट्स के साथ बहुत सुंदर से चली जाएंगी। सो इनकेस अगर आज के रिव्यू में से आपको कोई भी ब्लाउज या क्रॉप टॉप पसंद आता है तो आपको इसका कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपली आपको वहाँ से कोड लेना है, मीशो पे सर्च करना है एंड आप इजीली इन्हें परचेज कर सकते हो। सो बिना देरी के करेंगे हम अपनी आज के इन ब्लाउजेस का। सो गाइस, जो मेरे पास फर्स्ट ब्लाउज है ना, उसकी ओरिजिनल इमेज एंड प्राइस आपको साइड में दिख जाएगी। ये आपको बहुत ही प्यारे से ब्राइट ग्रीन कलर का मिल जाएगा। इसका मटेरियल जो है ना वो शाइनी सा बैंगलोर सिल्क मटेरियल है, बट बहुत ही अच्छा सा शाइन है एंड बहुत खूबसूरत से इसके अंदर ना ग्लो आ रहा है। सो इस तरीके का आपको ब्लाउज मिल जाएगा। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं इसके अच्छी सी एक जिप, तो ये पूरे जिप बेस पे आपकी ब्लाउज है, तो पहनना काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन मिल जाता है वो प्रिंसेस कट का डिज़ाइन मिल जाता है। इसकी जो स्लिप्स प्रोवाइड की गई है ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्लिप्स, आपको फुल्ली फ्रिल वाली स्लिप्स प्रोवाइड की गई है। डबल फ्रिल इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है जस्ट दोनों साइड में। इसकी एक और कमाल की बात ये है कि यहाँ पे आपको इसके बैक साइड में भी ना काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन इन्होंने बना के दिया हुआ है, तो मतलब इस ब्लाउज में आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल वाली लुक मिल जाएगी। इसको आप क्रॉप टॉप के साथ, मतलब कि अगर इसका एज अ क्रॉप टॉप वियर करते हो ना, तो बहुत सुंदर सा आपको लुक मिलने वाला है। सो इस तरीके का है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है ब्लाउज की एंड यहाँ पे इस तरीके का ये डिज़ाइन बना के दिया है बो वाला। इसके अंदर भी आपको एक एक इस तरीके के बटन्स की डिटेलिंग मिल जाती है। सो पहनने के बाद बहुत सुंदर सा है। मैंने इसमें साइज़ जो लिया था वो मुझे परफेक्ट नहीं आ रही है, डेफिनेटली मुझे अल्ट्रा कराना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि हम अकॉर्डिंग टू, अगर हम कभी मोटे हो जाते हैं तो भी हमारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, इसकी एक और ख़ास बात कि इसके अंदर आपको कप्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि विदाउट कप्स आपको अच्छा नहीं लगेगा पहनना। तो इसमें आपको जस्ट फॉर आपके कंफर्ट के लिए कप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। लुक बहुत सुंदर आएगा पहनने के बाद एंड प्राइस भी बहुत मीडियम थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैंने लगा दिया था इमेज, आप कंपेयर कर लेना। सो दिस इज माई फर्स्ट ब्लाउज एंड अभी मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। इस हॉल की मैंने नेक्स्ट ब्लाउज पिक की है ना, वो कुछ इस तरीके के डिफरेंट टाइप के पैटर्न मिल जाएगी। इसका भी मटेरियल आपको बैंगलोरी सिल्क प्रोवाइड किया गया है। कलर जो इसका है वो नेवी ब्लू लिया है मैंने। इसमें आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस थे, फर्स्ट वाले में भी कलर ऑप्शंस थे, तो आप चूज़ कर सकते हो आपको जो चाहिए। इसके अंदर आपको यहाँ पे ना इसके नेकलाइन पे बहुत ही डिफरेंट सा कुछ पैटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि बैक साइड में जाके अटैच होता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डीप नेक एंड उसी में आपको ये वाला स्टाइल बना के दिया हुआ है। बैक साइड में भी आपको अच्छी खासी डीप नेक प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर भी कप्स प्रोवाइड किए गए हैं। स्लीव्स आई थिंक इसके अंदर थे, यस इसके में आपको स्लीव्स प्रोवाइड किए गए हैं। इनकेस अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अभी मैंने स्लीव्स हटा दिया है बिकॉज इसका जो मैंने साइज लिया था ना, वो मुझे थोड़ा सा टाइट आ रहा था। तो आपकी जो भी ओरिजिनल साइज है आप उससे एक साइज लार्जर लेना, तभी आपको फिट आएगी। सो मैंने क्या किया ना, इसके अंदर आपको अच्छा खासा कपड़ा इन्होंने दिया हुआ था, मार्जिन अच्छी थी इसमें, तो मैंने मार्जिन को ओपन कर लिया है तो जाके ये मेरे में फिट आ रहा है। अगर मैं थोड़ी सी और मोटी होती हूँ तो मेरे में ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो इतना सारा मार्जिन इन्होंने प्रोवाइड किया था, इसी वजह से स्लिप्स मैंने कहीं उठा के इधर उधर रख दिया है। बाकी आपको स्लिप्स दिया गया है, थोड़ा सा ही दिया गया है लगाने के लिए, तो आपकी जो भी साइज है ना उससे एक साइज लार्ज लेना, तो आपको ये अच्छी सी आ जाएगी। कप्स इसमें भी प्रोवाइड किया गया है, शाइन इसमें बहुत अच्छा सा है। पहनने के बाद आपको बिल्कुल डिफरेंट सा आपको लुक मिल जाएगा इस ब्लाउज के साथ। सो दिस इज माई सेकेंड ब्लाउज, अभी मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट। इस हॉल की मैंने नेक्स्ट ब्लाउज पिक की है, वो आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके की, बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये प्रॉपर ब्लैक कलर का है, इसमें भी कलर ऑप्शंस थे। तो यहाँ पे आपको इसकी नेकलाइन बहुत ही डिफरेंट पैटर्न की बना के दी गई है, कटिंग वाली डिज़ाइन की गई है। उसके ऊपर आपको बहुत हैवी सा वर्क मिल जाएगा। बैक साइड में भी आपको सेम वही हैवी सा वर्क प्रोवाइड किया गया है। मतलब अगर आप सिंपल एंड प्लेन साड़ी पहनना चाहते हो तो उसके साथ अगर इस ब्लाउज को पहनोगे ना, तो उस साड़ी की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है, स्लीव्स पे भी खूब हैवी सा इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके दिया है। यहाँ पे स्लीव्स में आपको मिल जाती है ऑफ शोल्डर की कटिंग वाली डिज़ाइन एंड बैक में भी इसके नेक की डिज़ाइन काफ़ी सुंदर से दी हुई है।
इसमें जो पहनने का साइड में आपको दिया गया है, जिप प्रोवाइड किया गया है, अच्छी क्वालिटी का जिप है, तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी है, लाइनिंग भी इसमें प्रोवाइड किया गया है, अंदर के साइड में कप्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहनने के बाद इसका ओवरऑल लुक बहुत सुंदर आ रहा है, काफ़ी हैवी सा लुक आ रहा है। तो सिंपल एंड शोअर साड़ी को और सुंदर सा बनाने के लिए आप इस वाले ब्लाउज के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। हाँ, थोड़ी सी मुझे इचिंग की प्रॉब्लम लगी, जस्ट क्योंकि इसका हैवी एम्ब्रॉयडरी है तो लाइनिंग लगने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा इचिंग कर रहा था। सो अगर आप इतना मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एंड फैशन के दौर में इतना थोड़ा बहुत चलता है, मैनेज करना पड़ता है हम लड़कियों को, वुमेंस को, सॉरी। सो दिस इज माई थर्ड वाला, आई थिंक यस, थर्ड वाला ब्लाउज। अभी मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, जो मैंने नेक्स्ट ब्लाउज पिक किया है ना, वो बहुत क्यूट सा आपको ब्लाउज मिल जाएगा, काफी स्मार्ट सा पहनने के बाद इसका लुक आ रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है, इसकी कंफर्ट क्वालिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आपको पूरा लेस वाला डिजाइन मिल जाता है फ्रंट टू बैक, ऐसा नहीं है कि सी थ्रू जाता है, बहुत लाइट सा सी थ्रू है, बिकॉज इसका जो लेस प्रोवाइड किया गया ना, काफ़ी इसका पास लेस दिया हुआ है, तो दिखने के चांसेस बहुत कम है। एंड थोड़ा सा आपको स्टाइलिश लुक मिल जाएगा, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, कलर ऑप्शंस बहुत थे। एंड ये जो फैब्रिक है ना, ये लाइक्रा फैब्रिक नीचे के साइड में प्रोवाइड किया गया है। इसकी जो फिनिशिंग है थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे भी धागे निकला हुआ था, तो मैं इसको कट कर लूँगी। मैंने कट नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं है, पर ये ब्लाउज पहनने के बाद बहुत सुंदर एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा है। सो दिस इज़ माई आई डोंट नो फोर्थ या फिफ्थ वाला। अभी मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट पिक किया है, वो बहुत ही प्यारे से ग्रीन कलर में पिक किया है। ग्रीन मैंने दो रखा था इस हॉल में। सो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का ब्लाउज प्रोवाइड किया गया है, कलर ऑप्शंस इसमें बहुत सारे हैं। इसके अंदर भी कप्स प्रोवाइड किए गए हैं, जितने भी मैंने दिखाए हैं सब में कप्स थे, सिर्फ रेड वाले में नहीं था क्योंकि वो लाइक्रा फैब्रिक का है। सो यहाँ पे आपको वी नेक मिल जाएगा फ्रंट में, एंड इसकी ना डिज़ाइन बहुत डिफरेंट सी बनाई गई है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा बाकी वालों से थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है ये वाला ब्लाउज। एंड इसके अंदर भी आपको कप्स प्रोवाइड किए गए हैं, वी नेक है फ्रंट में। इसकी जो खूबसूरती है ना, वो इसके बैक में है, बैक अच्छा खासा था, वी शेप में डीप दिया गया है। यहाँ पे आपको हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो इजीली पहनना बहुत आसान है इसे। इसके साथ आपको ना यहाँ पे ढेर सारे पॉम्पॉम्स दिए गए हैं, काफ़ी हैवी से, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बना दे रहे हैं। तो मैं ऐसे आपको दिखा देती हूँ, इसका पॉम्पॉम देख लीजिए, बहुत सुंदर सा है। एंड इसके ऊपर ना पूरा आपको सीक्वेंस के भी कुछ कुछ वर्क मिल रहे हैं, जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, वो थ्रेड के साथ सीक्वेंस का वर्क किया गया है। बीच बीच में आपको ग्रीन कलर के थ्रेड के साथ वर्क किया गया है। पूरा जो इनका वर्क दिया है वो बैंगलोर सिल्क के ऊपर दिया हुआ है, तो शाइन भी काफ़ी अच्छी सी आ रही है ब्लाउज के अंदर, एंड आपको लुक भी बहुत अच्छा सा दे रहा है। इसके साथ भी आपको स्लीव्स प्रोवाइड किए गए थे, सो मैं आपको स्लीव्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे अच्छा खासा सा फैब्रिक स्लीव्स के लिए भी प्रोवाइड किया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 इंच का स्लीव्स आपको आराम से बन जाने वाला है। सो स्लीव्स की क्वालिटी भी अच्छी है, इसके अंदर लाइनिंग भी दिया गया है, लाइनिंग भी अच्छी फैब्रिक का दिया है, कॉटन नहीं है, बट फैब्रिक कंफर्टेबल लग रहा है। सो दिस इज माई नेक्स्ट, अभी मूव ऑन करेंगे हम नेक्स्ट। सो जो इस हॉल का मैंने नेक्स्ट ब्लाउज पिक किया है, वो आपको प्रॉपर वाइट कलर का ब्लाउज मिल जाएगा, एंड बहुत कॉमन सा ब्लाउज है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, बट लिया था तो मैंने सोचा सो भी कर दूँ आप लोगों को। सो इस तरीके का आपको बेसिक वाइट कलर का ब्लाउज मैंने लिया है। पूरे ब्लाउज के ऊपर आपको मिल जाता है मिरर वर्क विथ एम्ब्रॉयडरी के साथ। फ्रंट इसका कुछ नॉर्मल सा दिया हुआ है, कप्स प्रोवाइड है। इसका बैक बहुत डिफरेंट स्टाइलिश सा है, पूरा ऑलमोस्ट बैकलेस ही है, तो आई थिंक मैं इसका रिव्यू दूंगी कि मतलब इसका ट्रायन दूंगी कि नहीं, आई डोंट नो, जब उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझे तो मैं ज़रूर इसका ट्रायन दे दूंगी। बाकी आप यहाँ पे ही देख लो, पूरा बैक खाली है इसका, यहाँ पे आपको एक सिंगल नॉट सा मिल जाता है, तो काफ़ी डिफरेंट सा, काफ़ी स्मार्ट सा आपको लुक मिल जाएगा। अगर आप इस तरीके के ब्लाउज पहनना पसंद करते हो तो डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, बिकॉज क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग दी गई है। स्लिप्स भी प्रोवाइड किया गया है, बट आई डोंट नो कि अगर हम इतना ज़्यादा डीप नेक पहनेंगे तो इसमें स्लिप्स लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, बट स्लिप्स प्रोवाइड किया गया है, मैंने निकाल दिया है क्योंकि मुझे इसे अपने साइज़ का फिट करना था, बट मैंने इसे पहना नहीं क्योंकि मैं शायद पहन नहीं पाऊंगी इतना डीप नेक। सो मैं आपको शो कर देती हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली परचेज कर लेना। तो फ्रंट टू बैक आपको फुल्ली मिरर का वर्क मिल जाएगा, काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी स्मार्ट सा, किसी भी नॉर्मल स्कर्ट को आप एज अ लहंगा वियर कर सकते हो इस ब्लाउज के साथ। सो
दिस इज़ माई लास्ट ब्लाउज एंड आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।